ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में हुए सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रदेश में पहली बार आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि पहले लोग माइनिंग के क्षेत्र में जोड़ तोड़ से पट्टे हथियार लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में अपार खनिज संपदा है जिसका दोहन कर हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं। इस खनिज नीति में जो नए परिवर्तन हुए, मैं नरेंद्र सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे नेता जिनका सारा मध्य प्रदेश गर्व करता है, सारी प्रक्रियाएं माइनिंग ट्रांसपेरेंट बनाने। अब पहले हम जानते हैं, एक जमाना था जब जोर से तोड़ से हत्या लिया करते थे लोग, लेकिन सारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट कर दी। अब तो सीधे सीधे बिट बुलाते हैं, बोली लगती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप जानते हैं माइनिंग लीज दी जाती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने देश की पारदर्शी खनिज नीति की जानकारी दी और आंकड़े भी रखे। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वालों में कानून का पालन करने की प्रतिस्पर्धा कायम हो। माइनिंग मिनिस्टर की मीटिंग में ये विषय आया था, तो उस समय ये निर्णय हुआ था कि हमारे खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनना चाहिए और वो समिति अध्ययन करे और एक सेंट पॉलिसी बनाए। तो हमारे खान मंत्रालय के सचिव महोदय की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी और उस कमेटी ने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया, जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी परामर्श किया, नीतिगत विषय भी किए और बालू की जितनी आवश्यकता है उतनी आने वाले कल में उपलब्धता होगी नहीं होगी, ऐसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया। तो विकल्प और नीति दोनों के विषय में एक ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकारों को भेजा है। अब राज्य सरकार उसमें से जो उपयोगी है उस हिसाब से वो अपनी नीति निर्माण करके काम को आगे बढ़ा सके। इस मौके पर केंद्रीय खान राज्य मंत्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी, मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सहित 22 राज्यों के मंत्री, मुख्य सचिव और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।